मैं अब्दुल फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इलाफ। हुकूमत के कड़े कानून बनाने के बाद भी इंसानियत को शर्मसार करने वाले दुष्कर्म मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अब फिर एक और मामला सामने आया। टोली चौकी हैदराबाद में मौजूद अजान स्कूल में सफाई का काम करने वाले जिलानी नामी शख्स ने चॉकलेट देने के बहाने एक यूकेजी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची के साथ ये जलील हरकत की। जब स्कूल से बच्ची अपने वालिद के हमरा घर पहुंची, दर्द की शिकायत पर माँ ने देखा, फिर स्कूल वालों को साथ लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। बच्ची का हैदराबाद नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उधर जनता बेकाबू है, स्कूल में तोड़फोड़ कर रही है, रेपिस्ट को फांसी देने की मांग कर रही है। हुकूमत को भी ऐसे मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सुनवाई करानी चाहिए ताकि पीड़ित को जल्दी इंसाफ मिल सके और फ्यूचर में ऐसे मामलों को होने से रोका जा सके। बिल्कुल दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करना। एब्सोल्युटली बिल्कुल कोई हरकत नहीं करना। बिल्कुल आप हम टाइम टाइम पे आपको बताते भी रहेंगे और ये भी ये आपसे ज़्यादा वो हमारी जिम्मेदारी है। आपसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है और उसको सजा दिलाने में जो भी कड़ी से कड़ी। अभी मेरी बेटी 4.5 साल की है। एक्चुअली मैं अरुणा कॉलोनी के छठी में रहता हूँ। अजान इंटरनेशनल स्कूल में मेरी बेटी जो है नाम पढ़ती है PB2 में। ये फर्स्ट ईयर है मेरी बेटी का PB2 में अजान इंटरनेशनल स्कूल में। और सुबह में 8:30 से 1:30 तक स्कूल है और अच्छा कंटिन्यू चल रहा था। सडनली आज मैं जब मेरी बेटी को लेने गया, जब मेरी बेटी मेरे साथ में आई, आने के बाद में जो है ना मुझको बताई कि मेरे प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा बोलते। तो हम जो है ना जाके घर पे चेक करे तो ब्लीडिंग था। हम फौरी स्कूल गए। स्कूल से फिर हम जो है ना स्कूल के एक मैनेजमेंट को लेके टीचर को लेके हम सीधा जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल को आए। वहाँ पे हमको जो है ना पता चला कि जो है ना कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ मेरी बेटी के साथ में। तो उसके बाद में फिर हम दोबारा स्कूल गए। वहाँ से फिर हम जो है ना कंप्लेंट करे PS में। वहाँ से स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर हम जो है ना उनको बताए कि जो है ना फलानी चीज़ हुई बच्ची के साथ हमारे कैसा होगी। तो बच्ची खुद मेरी जो है ना बोल रही कि जो है ना वो गार्डन एरिया में लगे थे, कुछ एग्जीबिशन था। बच्ची गार्डन एरिया में जो है ना वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है जिलानी बोल के, वो बंदा जो है ना उसको चॉकलेट के बहाने जो है ना साइड में लेकर गया थे। वहाँ पे लग जा के ऐसी हरकत किया मेरी बच्ची के साथ में। अभी मैं जो है ना यहाँ पे नीलोफर हॉस्पिटल में हूँ ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। यहाँ पे टेस्ट चल रही है मेरी बच्ची के और इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो रही है। उसके लिए जो है ना सीजरिंग करना ज़रूरी है कहते बच्ची को मेरे। तो अभी वो ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ नीलोफर में। अभी ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है मेरी बच्ची का यहाँ पे। कौन सी क्लास में थे? PP2 में है, UKG में बच्ची मेरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजमा सुल्ताना, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी प्राइमरी यूनिट ऑफ AIMIM टोली चौकी से बात कर रही हूँ। मुझे मौका वारदात का इत्तला मिली 2 बजे के करीब। इत्तला मिलते ही मैं वहाँ पर पहुँची और हमारे MLA साहब को इत्तला करी, कौसर मुहिद्दीन साहब को, और शेखपेट डिवीज़न कॉरपोरेटर फराज साहब को इत्तला करी। वहाँ सब मौजूद रहे। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि 1-4 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौनी हरकत हुई है। इसका हमें बहुत अफसोस है। हमारी बस यही एक गुजारिश है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जितना हो सकते सपोर्ट कीजिए। और ये एक बच्ची नहीं, पूरे तमाम शहर के, तमाम दुनिया के बच्चियों का जो सके वो है। और ये एक गुजारिश ये है कि तमाम स्कूल्स को आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि बच्चों को किस तरह से, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए।
और मैं इस घिनौनी हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नीलोफर हॉस्पिटल आई हूँ और जो उनके माँ बाप है, उनका ख़ानदान है, वो ख़ानदान के साथ जो सो के इजहार अफसोस करी हूँ और अभी तक यहाँ मौजूद हूँ। इंशाल्लाह मेरी दरख्वास्त है कि हमारे सदर साहब से स्पेशली कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हर एक को जो भी उनसे हो सकता है आने वाले हादसात को जो है रोकें, उस चीज़ को आने वाले हादसात के जो स्कूल में हो रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चे की कंडीशन तो हो रहे हैं बहुत, क्योंकि वो बिल्कुल 4 साल की बच्ची है। हाथों में सुनते थे इस चीज़ सिटी में हो रहे हैं। बच्ची है वो बहुत कॉन्शियस है और उसे उसके लिए जो है कि FIR का इंतज़ार कर रही। अभी तक प्रॉपर FIR गोलकुंडा PS से नहीं मिल सका बोलकर उनके वालिदैन ने मुझे बताया है। तो मेरी गुजारिश है कि हर एक डिपार्टमेंट का आदमी इसके लिए सपोर्टिव हो जाए और इस शहर के, इस तेलंगाना के हर बच्ची के तहफ़ का ख्याल रखें। मेरे सामने एक इंटरनेशनल अजान इंटरनेशनल स्कूल की पेरेंट है, वो उन आपको दो चार। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ दिस एंड आई एम वेरी वेरी वरीड फॉर माई चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आफ्टर दिस। आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू गिव मी सम अश्योरेंस टू सेंड द चिल्ड्रन बैक टू स्कूल और नो ऑन मंडे। समवन शुड गिव सम अश्योरेंस प्लीज। Thank you. And all school managements has absconded. They are yes, we nowhere. Want to know where is the school management. Yeah. Why aren't they here supporting the girl? And still our MLA, ex-MLA Kausar Muhyiddin Sahab behind this case. He is taking concern on this. So we have very much, we are very much thankful to this media. So those who help us in these cases, and we need necessary actions, whatever it will be, to all the departments of Hyderabad, Telangana. स्कूल के भी बिल्डिंग के भी क्लासेस पत्थरों से स्टोन पेल्टिंग करके थोड़े लोग मतलब इस तरह का एक्टिविटी में इंडल्स करें। यहाँ पे कंप्लेंट है कि एक स्टाफ मेंबर किसी यहाँ पे स्टूडेंट के साथ कुछ गलत बर्ताव किया। इस पर हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर से केस भी रजिस्टर हुआ है कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ हुआ तो एक्शन देंगे और अरेस्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इसको लेके लोग यहाँ पे इनके पास जमा हो रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी इस तरह का इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, सब पे अगर से हम लोग डेफिनेटली उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेंगे। हमारा यही गुजारिश है कि यहाँ पे कोई लोग स्कूल के पास ना जमा हो और इस तरह का एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी ना करें। ट्रैफिक को भी